सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं कि एक तरफ 9 मई वाला है तो दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ है। 8 फरवरी को आपने शेर पर मोहर लगानी है। 9 फरवरी का सूरज 9 मई के अंधेरे दूर कर देगा। नवाज शरीफ ने कभी जादू टूने से काम नहीं लिया, किसी को मीर जाफर नहीं कहा। एक मेहरबान ने कहा कि नून लीग ने सिंध और कराची में कोई जलसा नहीं किया, हमारे तरक्याती काम ही सिंध में हमारी इलेक्शन मुहिम है। कसूर में जलसे से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि आपने 8 फरवरी को तरक्की को चुनकर तबाही को ख़त्म करना है, कशकोल टूटेगा और पाकिस्तान अजीम बनेगा, नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। एक तरफ 9 मई का वाकया जिससे मुल्क के खिलाफ एक साजिश हुई, दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ यहाँ बैठा है जिसने एटमी कुवत अल्लाह ताला के फजल करम से बनाया। 9 फरवरी को जो सूरज तलू होगा वो 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। नवाज शरीफ ने इसके 3 मरतबा इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। ये मुल्क के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश थी, मगर नवाज शरीफ ने इसके बावजूद भी अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा। शहीदों को गाली नहीं दी, यादगारों पर आग नहीं लगाई, किसी को मीर जाफर नहीं कहा और जादू टूने का सहारा नहीं लिया। मेरे उस मेहरबान सियासतदान ने कहा कि इंतहाबी मुहिम में ये नून लीग वालों ने कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी कारकर्दगी खुद ही हमारे जलसों का काम दे रही है। वहां पे हमने भी अवाम को आकर कराची में यही कहना था कि ये है कारकर्दगी। नवाज शरीफ को आपने 4th मरतबा आपने मौका दिया, कसूर में नहीं पूरे पंजाब में पाकिस्तान में आपके हाथ में लैपटॉप जिससे आपके बच्चे और बच्चियां वो हुनर सीखे, पाकिस्तान में बावकार उनको यहाँ पर मुलाजमत मिले, मुल्क से बाहर भी कारोबार करें, पाकिस्तान को खुशहाल करें, कशकोल तोड़ें, गुर्बत बेरोजगारी